प्रदीप तिवारी का पहचान क्या है भाई? कभी उसका खुद का पहचान नहीं है। कभी बोलता है अगर जयराम महतो चुनाव लड़ेगा तो हम झारखंड छोड़ के चल जाएंगे, कभी कहता है कि हम झारखंड का निवासी है। साला कभी बोला है? साला चुतिया है, फालतू आदमी है, बेकार उलूर जुलूर बात करता रहता है। उलूर जुलूर बात करके किसी का भी पूजा दीदी कुछ क्या ऐसा बोला था कि कब गाली दिया था पूजा दीदी प्रदीप तिवारी को? पान खा के थुतु थुतु करके कुछ भी बोल देगा तो मान लेंगे। प्रदीप तिवारी बोल दे रहा है कि एक समुदाय का लड़ाई है, वो आके देखा है? और आज जो प्रदीप तिवारी बोल रहा है कि टाइगर जयराम महतो उपचुनाव लड़के देखे हम झारखंड छोड़ देंगे, कभी कहता है हम झारखंडी है 100 साल से है, कभी कहता है हम बाहरी है, उसको खुद पता नहीं है कि प्रदीप तिवारी है क्या। तो बयान आया है कि बयान ऐसा आया कि मंगल ग्रह से आके उनको वोट दिया गया सुनने में आया, इसमें आपको क्या कुछ कहना है? ये बेवकूफ विधायक जी है, बेवकूफ है ना, उनका अस्तित्व पता ना वास्तविक पता। बोलता है हम संविधान पढ़ के आए, क्या संविधान पढ़ के आए? कौन सा संविधान में लिखा है कि मंगल ग्रह से आकर के वोट दिया जाता है? समझा देते हैं प्रदीप तिवारी को, मेरा भाई का बीवी का जो बच्चा हुआ, हम लोग नागपुर से आ रहे थे, नागपुर में मेरा भाई का बीवी का पेट दर्द हुआ और ट्रेन में बच्चा हो गया, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेन हम लोग को दे देगा? किसी का हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो क्या हॉस्पिटल उसका हो जाएगा? 2024 में ऐसा लात मारेगा उसको, ना झारखंड में रहेगा ना बिहार में रहेगा। काम आता है तो हम लोग एक ही चीज देखते हैं कि जमीन बेच देंगे। अगर यहाँ पे 90-10 का नीति लगा के हर झारखंडी का हर घर से एक और नौकरी करेगा तो जमीन बेचने का आफत नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग को अगर नौकरी मिल जाता है तो आप लोग जमीन बेचने का नौबत नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। मनोज दा बोल रहे हैं कि जो कुछ दिन पहले तो प्रदीप तिवारी का वीडियो वायरल हुआ था, ठीक ना, वो बोल रहा है कि ये मंगल ग्रह से, फिर और क्या क्या नहीं पता नहीं क्या क्या बोल रहा है लोग बाहर से, मतलब क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसमें क्या कुछ कहना है? देखिए सबसे पहले तो हम सभी झारखंडी को आज हुल दिवस के अवसर पर सबको हुल दिवस का जुहार करते हैं और झारखंडी का सबको जुहार करते हैं। और प्रदीप तिवारी कौन खेत का मूली है भाई? उसको झारखंडी का क्या पहचान है? उसको किसी का चेहरा के बारे में कुछ बोल करके वो हीरो बनना चाहता है? किसी का चेहरा को देख करके अगर हीरा बनने का होगा ना तो कभी मैदान में आए ना, कभी झारखंड के आदिवासी इलाका में आके देखे कि झारखंडी क्या है। कोई प्रदीप तिवारी बोल दे रहा है कि एक समुदाय का लड़ाई है, वो आके देखा है? और आज जो प्रदीप तिवारी बोल रहा है कि टाइगर जयराम महतो उपचुनाव लड़के देखे हम झारखंड छोड़ देंगे, कभी कहता है हम झारखंडी है 100 साल से है, कभी कहता है हम बाहरी है, उसको खुद पता नहीं है कि प्रदीप तिवारी है क्या। आखिर आप लोग तो जानते हैं कि प्रदीप तिवारी है क्या चीज? नहीं, प्रदीप तिवारी का जो अभी बयान आया है, ठीक ना, अगर आदमी यहाँ पे मतलब झारखंड में पैदा हो गया तो झारखंड ही हो गया, तो झारखंड का भी आदमी बिहार में जाकर नौकरी कर रहा है, वहाँ पे भी तो मतलब झारखंडी आदमी का भी बच्चा पैदा हो रहा, और बिहारी का नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, हम अपना भाई का एक उदाहरण देके समझा देते हैं प्रदीप तिवारी को। मेरा भाई का बीवी का जब बच्चा हुआ, हम लोग नागपुर से आ रहे थे, नागपुर में मेरा भाई का बीवी का पेट दर्द हुआ और ट्रेन में बच्चा हो गया, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेन हम लोग को दे देगा? किसी का हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो क्या हॉस्पिटल उसका हो जाएगा? बात आपका सही है, लेकिन प्रदीप तिवारी ऐसा है कि बीच बीच में आके मतलब मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है, मतलब उसमें आप लोग क्या कुछ कहना है? वो खुद नहीं जानता है कि वो झारखंडी है कि बाहरी है, उसका पहचाने नहीं है कुछ। किसी को भी किसी का चेहरा देख करके, जैसे कि बेबी जी को पूजा जी को बोले कि पूजा जी हमको गाली दे करके नेता बन रहा है, अरे भाई पहले खुद अपना पहचान तो बनाए प्रदीप तिवारी। उलूर जुलूर बात करके किसी का भी पूजा दीदी कुछ क्या ऐसा बोला था कि कब गाली दिया था पूजा दीदी प्रदीप तिवारी को? पान खा के थुतु थुतु करके कुछ भी बोल देगा तो मान लेंगे। प्रदीप तिवारी का पहचान क्या है भाई? कभी उसका खुद का पहचान नहीं है। कभी बोलता है अगर जयराम महतो चुनाव लड़ेगा तो हम झारखंड छोड़ के चल जाएंगे, कभी कहता है कि हम झारखंड का निवासी है। साला कभी बोला है? साला चुतिया है, फालतू आदमी है, बेकार उलूर जुलूर बात करता रहता है। यानी बात आपका सही है, ये जो प्रदीप तिवारी है उनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है। झारखंड में नहीं होने से कम 70% ने 70 बोलने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 50% यहाँ पे बिहारी आदमी घुसा हुआ, तो मतलब बोलो फिर क्या होगा? 60-40 नीति जब लागू हो जाएगा, मतलब 60-40 के हिसाब से नौकरी मिलेगा तो लोग को भी मिलेगा, अगर यहाँ पर 90-10 लागू हो जाता है तो लोग का फिर क्या होगा? देखिए दादा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को झारखंडी होने का परिभाषित कीजिए। कोई भी बिजली बिल दे करके 500 रुपया घूस दे करके जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र बना लेगा तो क्या वो झारखंडी हो जाएगा? चलिए हम अपना खुद को दिखा देंगे कि कितना बिजली बिल दिखा करके आवासीय प्रमाण पत्र बना के रखा है। जेबी के साथ आप लोग पार्टी बनाए तो आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? मतलब आप लोग का 60-40 के नाम पे तो कोई वोट नहीं देगा, 60-40 ज्यादा लोग तो पता ही नहीं है, बहुत लोग कहने 60-40 तो किसी को पता ही नहीं है, सब सुन के तो कोई वोट नहीं देगा। 32 का ध्यान यहाँ पे जल सर्किल में आप लोग का है ही नहीं, ये सब सुन के तो कोई वोट नहीं देगा। मोटिव क्या रहेगा आप लोग, मतलब इलेक्शन जब खड़ा कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं,
आप लोग जैसे बोलता है ना रोड देंगे, नल देंगे, ये शिक्षा देंगे, तो आप लोग क्या देंगे कि आप लोग को वोट देगा? हम लोग नल भी नहीं देंगे और रोड भी नहीं देंगे और क्या बोलते हैं सॉरी राशन कार्ड का 2 रुपए वाला किलो चावल और चावल भी नहीं देंगे, क्योंकि झारखंड हित में झारखंड को आवासीय प्रमाण पत्र दे करके सिर्फ लूट रहा है। ये चपलासू नेता आके बोलता है चुनाव के समय कि हम दादा हम आपके आपके घर में आके रोड बना देंगे। रोड हम लोग क्या करेंगे? बाहर के आदमी को लाने के लिए हम लोग को 90-10 का नीति चाहिए। साफ साफ उसमें लिखा रहेगा कि झारखंडी ओनली थार 4 ग्रेड में झारखंडी को नौकरी मिलेगा। बिजली बिल दिखा के स्थानीय बना करके नौकरी नहीं देंगे। कहने का मतलब है झारखंड में तो ज्यादातर लोग मतलब अशिक्षित है, मतलब अनपढ़ पढ़े लिखे ज्यादातर यहीं पे, मतलब क्या बोलेंगे, ज्यादातर लोगों का कहना है कि झारखंड में ज्यादातर मतलब जंगली जल जंगल, मतलब जल जंगल की बात करने वाले तो जंगली सब है। ये लोग 60-40 नीति से मतलब 90-10 की नीति से कैसे नौकरी कर पाएंगे? लोग तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। फिर ये गलत बयान है जो अभी दिया है, गलत बयान है। देखिए दादा, कोयला के खदान से ही क्या मिलता है? हीरा मिलता है। झारखंड में ऐसे भी पढ़ा लिखा आदमी है जो एमटेक बीटेक करके भी हम लोग का, जब यहाँ पे नीति नहीं है तो उन लोग कैसे फॉर्म भरेगा? कि फॉर्म भी भर रहा था उसका फॉर्म को साइड में रख दे रहा है और दूसरा आदमी अपना फूफू का किसी का चाचा का दादा का लड़का को लाके नौकरी दे रहा। सबसे पहले तो यहाँ पे नीति बनना चाहिए और कौन झारखंडी है उसका पहचान दिलाना चाहिए। खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करे, उसके बाद 60-40 नहीं 90-10 का नीति लागू हो, उसके बाद झारखंड में कौन बोल रहा है कि पढ़ा लिखा नहीं? हम एमटेक किए हुए हैं, खुद हम एमटेक किए हुए हैं, कहीं भी फॉर्म भरने जाते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, मेरे लिस्ट में देखते हैं मेरा नाम नहीं है। अगर झारखंड में सिस्टम खराब है दादा, सिस्टम खराब है मतलब पंचायत से लेकर के विधानसभा से लेकर के राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक सिस्टम खराब है, बोलिएगा तो कैसे? क्योंकि वहां पे सब बाहरी लोग का दबदबा है। ऐसे में झारखंड का लड़का को कहां से नौकरी मिलेगा? तो झरिया विधायक पूर्णिमा जी तो बयान आया है कि बयान ऐसा आया कि मंगल ग्रह से आके उनको वोट दिया गया सुनने में आया, इसमें आपको क्या कुछ कहना है? ये बेकूफ विधायक जी है, बेकूफ है ना, उनका अस्तित्व पता ना वास्तविक पता। बोलता है हम संविधान पढ़ के आए हैं। क्या संविधान पढ़ के आए? कौन सा संविधान में लिखा है कि मंगल ग्रह से आकर के वोट दिया जाता है? काल का डेट में हमारे माननीय विधायक जी कोल्या चुनने का काम के लिए आया था, किसी का बीवी बन के आई हुई थी, उसके बाद जनता के साथ कुछ जुलूल उलूल प्रचार करके अपना व्यवहारिक बना करके विधायक बनी, उसके बाद क्या बोल रही है कि मंगल ग्रह से हमको क्या वोट दिया था? जनता आपको चाहता था, लेकिन 2024 में ऐसा लात मारेगा उसको, ना झारखंड में रहेगा ना बिहार में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ही लोग ना जमीन जायदाद सब बेचते हैं तब ना बाहरी लोग आके यहाँ पे राज करते हैं, तो गलती आप ही लोग का है? गलती हम लोग का नहीं है दादा, कहे कि यहाँ पे सिस्टम खराब है। सिस्टम इसलिए खराब है, सिस्टम को आप दोष नहीं दे सकते, जमीन आप बेच रहे हैं। देखिए जमीन बेचने का कारण भी है, हम लोग झारखंडी गरीब है, पढ़े लिखे हैं, गरीब है, हम लोग का जो कुछ भी अगर काम थोड़ा बहुत बड़ा चीज काम आता है तो हम लोग एक ही चीज देखते हैं कि जमीन बेच देंगे। अगर यहाँ पे 90-10 का नीति लगा के हर झारखंडी का हर घर से नौकरी करेगा तो जमीन बेचने का आफत नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग को अगर नौकरी मिल जाता है तो आप लोग जमीन बेचने का नौबत नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। धन्यवाद दादा।